हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सावा मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करने के लिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं वो जल्दी ही मिल जाए। आप मेरे फेसबुक पेज मिनल्स किचन को भी लाइक कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो आज हम बनाएंगे टी टाइम ड्राई फ्रूट केक, जो कि बिना अंडे के बनने वाला है और बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी। और इसको मैंने ओवन में बनाया है, आप चाहो तो पैन में या प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो। और ये कैसा बना है आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको एकदम परफेक्ट बनाने के लिए ट्रिक्स भी हैं इसमें, जो कि लास्ट तक आप देखोगे तभी आपको पता पड़ेगा। तो ज़रूर देखिए मेरी पूरी रेसिपी। सो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बोल लूँगी, जिसमें मैंने मैदा डाला है 1 1/4 कप। अब हम इसको एकदम अच्छे से छान लेंगे, जिससे ये बहुत ही फ्लफी बने और केक का जो टेक्सचर है वो इवनली हो, ऐसा नहीं हो कि बीच में से डोम निकल रहा है। सो इट्स वेरी नेसेसरी प्रोसेस। एकदम अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लीजिए, सीव कर लीजिए, छान लीजिए इसको। तो अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 1/4 कप जितने, बट इसमें मैं पहले आधे ही डालूंगी, हाफ ऑफ द क्वांटिटी। सो अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे में इसलिए मिक्स करते हैं ताकि जब हम केक बनाते हैं वो नीचे की तरफ सतह में रह नहीं जाए, वो इवनली सब जगह मिक्स हो जाए। सो एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। तो अब हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स है वो हम मिक्स करेंगे। उसके लिए एक बोल लेंगे और उसमें दूध डालूंगी मैं 1/2 कप जितना, और दही भी 1/2 कप जितना ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्कर की सहायता से। ये पूरा इवनली मिक्स हो जाना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, 1/3 कप जितना। सो अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्कर की सहायता से, और हम अपना ओवन 180 डिग्री पर बेकिंग मोड पर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। और अगर आप पैन में बना रहे हो तो नीचे नमक डालकर उसको ढक के मीडियम फ्लेम पर रख दीजिए। सो अब हम इसमें वेनिला एसेंस मिक्स करेंगे, और यहाँ पर ये मैंने 1 टीस्पून जितना लिया है। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि हम अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। सो अब हम यहाँ पर पीसी हुई शक्कर मिलाएंगे 3/4 कप जितनी। और इसको एकदम अच्छे से उसके साथ कंबाइन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। पीसी हुई शक्कर मिलाने से क्या जल्दी से मिक्स हो जाती है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। सो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें अपने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लूँगी मैं 2 टेबलस्पून जितना, और इसको भी हम स्ट्रेन करके डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, और नमक 1 पिंच जितना लेना है। सो आप बेकिंग सोडा के बदले जो मीठा सोडा होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको एकदम अच्छे से सीव कर लेंगे, अच्छे से छान लेंगे। छानने का एक ही मकसद है ताकि ये इवनली सब जगह स्प्रेड हो जाए और जो एयर होती है वो सब जगह इवनली रहे और हमारा केक बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ बने। सो अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको जहाँ तक हो सके एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कीजिए। सो हो सकता है ये पूरा अच्छे तरह से मिक्स ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें जो मैदा है वो डालेंगे। आप चाहो तो इसको बैचेस में ऐड कर सकते हो। धीरे धीरे उसको मिलाइए और उसको मिक्स करते रहिए। यहाँ पर मैंने एक साथ ही डाल दिया है उसमें, और इसमें हमारे जो ड्राई फ्रूट्स भी हैं वो भी इसके साथ ही जाएंगे। सो इसको धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कीजिए। एकदम अच्छा बैटर होना चाहिए विथ नाइस कंसिस्टेंसी। आप चाहो तो इसको विस्क की सहायता से भी मिक्स कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने स्पैटुला यूज़ किया है।
सो ये देखिए एकदम अच्छे से इवनली मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक जो मोल्ड रहता है हमारा केक का, उसको ग्रीस करके यहाँ पर मैंने बटर पेपर भी डाल दिया है और उसके ऊपर फिर से हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है और उसके अंदर डाल देंगे। इससे जो इसके हम लोग जनरली बटर पेपर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो कॉर्नर्स है वो एकदम हार्ड ना हो और ये चिपके नहीं, नॉन स्टिक का काम करता है। सो ये हमने मोल्ड में डाल दिया है एकदम अच्छे से। अब हम इसको थोड़ा स्प्रेड करते हुए ऊपर जो ड्राई फ्रूट हमने बचा के रखे थे वो स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहो तो इसको अलग अलग टाइप से उस पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, एक शेप में काट कर डाल सकते हो, अच्छे से डेकोरेट करते हुए डाल सकते हो। मैंने ये सारे बारीक ही काटे हैं और इसको मैं पूरा ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने बादाम, काजू और मेलन सीड्स और अखरोट ये सारे स्पेशली इसमें यूज़ किए हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हो। सो हाउ डज़ इट लुक, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इसको टैप कर लेंगे और जो हमारा प्री हीट ओवन है उसमें डाल देंगे। इसको 180 डिग्री पे ही हमें सेट करना है और 30 से 35 मिनट्स लगेंगे और ये डिपेंड करता है ओवन पर भी। सो आप उसको इन बिटवीन चेक कर सकते हो टूथपिक की सहायता से। और अगर आप पैन में बना रहे हो या कुकर में, उसको भी आप मीडियम फ्लेम पे रखिए और 30 से 35 मिनट्स तक रखिए और बीच में चेक करते रहिएगा। सो ये हमारा जो केक है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि टूथपिक की सहायता से कि कैसे इसको चेक करना है। सो जब आप इसमें ऐड करते हो या टूथपिक डालते हो तो इट शुड बी कम आउट नीटली, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ रेडी। ये अभी गर्म है, इसको मैं मोल्ड में से बाहर निकाल देती हूँ। ये बटर पेपर्स की सहायता से ही इसको बाहर निकाल रही हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा है इसको खाने के लिए। सो इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाता है आप इसका बटर पेपर निकाल दीजिए और उसको चाकू की सहायता से एकदम धीरे धीरे काटना है। हालांकि ये मेरा थोड़ा गर्म ही है, मैंने इसको ज़्यादा ठंडा होने नहीं दिया है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा और अच्छे से ठंडा होने दीजिए, कम से कम 15 मिनट तक, और उसके बाद आप इसको काट सकते हो। ये देखिए, आप देख सकते हो इसके जो कॉर्नर्स है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये जो पार्चमेंट पेपर हम यूज़ करते हैं उसका यही फ़ायदा रहता है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं बनता है। सो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। ये देखो थोड़ा गर्म है इसलिए बहुत ही सॉफ्ट है, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है और रियली बताऊँ तो बहुत ही टेस्टी भी बना है ये। ये देखिए बहुत ही स्मूथली इसको काटना है धीरे धीरे, एंड ट्रस्ट मी यू आर रियली गोइंग टू इन्जॉय दिस रेसिपी। बनाने के बाद ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।